क्वेश्चन 27 देखिए, वो भी हमें इंटीग्रेशन से दे रखा है। क्या है? लॉग ई की पावर कॉट इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx। आप पूछें सर इसको कैसे सॉल्व हम करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए आप देखें तो हम यहाँ कुछ पुट करने वाले हैं। इस कॉट इनवर्स एक्स को यदि मैं पुट कर दूं तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर यहाँ से चला जाएगा और इसका भी कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट हम करेंगे। तो हम यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स को टी पुट कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें विच इम्प्लाइज जो एक्स है वो किसके बराबर मिल गया? कॉट टी के बराबर मिल गया और इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस का dx इज इक्वल टू dt। इस माइनस को हम इधर ले जाएंगे तो माइनस dt। तो यहाँ हो गया e की पावर t और नीचे ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx को हम लिखेंगे माइनस का dt। यहां पर है 1 माइनस एक्स की जगह आ गया कॉट टी और एक्स स्क्वेयर की जगह आएगा कॉट स्क्वेयर टी। माइनस को बाहर ले आओ, ई की पावर टी 1 माइनस कॉट टी। हम एक आइडेंटिटी जानते हैं कि कॉट स्क्वेयर टी को हम लिख सकते हैं कॉसिकेंट स्क्वेयर टी माइनस वन। वन से वन कैंसिल हो गया और यहां पे इस माइनस को अंदर ले जाओ तो ये प्लस का हो गया माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर टी। अब आप ध्यान से देखें तो ये फॉर्म ऐसी बन गई। कैसी वाली फॉर्म? यहां पर e की पावर एफ एक्स, e की पावर में कुछ फंक्शन एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, और इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं? यहां इस टर्म को पीछे वाली को तो सेम रखेंगे और इसमें बाई पार्ट्स लगा देंगे। तो यहां हो जाएगा e की पावर t कॉट t माइनस e की पावर t कोसिकेंट स्क्वेयर t dt। अब अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ आइलेट एक्सपोनेंटियल फंक्शन सेकेंड फंक्शन ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की पावर टी माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर टी और ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी, और ये टर्म सेम यहां पर है ई की पावर टी कोसिकेंट स्क्वेयर टी dt। तो यहां ये तो प्लस की हो गई। अब आप देखें तो दोनों की शक्ल एक जैसी है, बस प्लस माइनस का फर्क है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, यहां बचा e की पावर t cot t प्लस c। और अगर आप यहां t की वैल्यू रखोगे तो क्या बन जाएगा? e की पावर cot इनवर्स x और यहां cot इनवर्स x प्लस c, यानी आई किसके बराबर आ गया? आई आ गया एक्स ई की पावर कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। अभी आप यहां देखें तो यहां पर आप एक और मेथड भी लगा सकते हैं। ये तो हो गया इसका प्रोसीजर कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आपको ये डायरेक्टली दिख जाए कि बाहर e की कुछ वैल्यू दे रखी है, अंदर फंक्शन प्लस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, तो वो किसके बराबर होता है? e की पावर x फंक्शन प्लस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दे रखा हो तो यहां पर वो किसके बराबर होता है? e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। ये सिंपल आप यूज कर सकते हैं। इसमें देखो e की पावर x प्लस फंक्शन और प्लस में सी, सीधा यही रिजल्ट हमेशा आता है। ये एमसीक्यू में भी इसे पूछ लेता है तो हम इतना बड़ा सॉल्व नहीं करते, वहां सीधा ये फॉर्मूला यूज करते हैं और रिक्वायर्ड रिजल्ट निकाल देते हैं।